दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है लाल मांस। ये राजस्थान की एक शाही डिश है। इसका तीखापन ही इस डिश को बहुत ही यूनिक और बहुत टेस्टी बनाता है। दोस्तों मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1/2 kg मटन ले लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करते हैं। तो इसमें डालते हैं 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 tablespoon नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। दोस्तों लाल मांस की रेसिपी में लाल मिर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हमने यहाँ 10-12 तीखी लाल मिर्च ली है। अगर आप 1 kg मटन बना रहे हो तो आप 20-25 लाल मिर्च ले लीजिए। अब हम वार्म वाटर में सारी लाल मिर्चे को डाल लेंगे और आधे से 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसे। और जब ये अच्छे से सोख हो जाए तो हम इसे मिक्सी में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों अब कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में हम 1/4 cup घी डाल लेते हैं। घी गर्म होते ही इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तो 3-4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 8-10 काली मिर्चे, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री। इन सब खड़े मसालों को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अब इसमें हम 150 ग्राम प्याज डाल लेते हैं और इसे हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें मटन डाल लेते हैं और मटन को हम प्याज के साथ अच्छे से भूनते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। दस से 12 मिनट हमने मटन को अच्छे से भून लिया है और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। दोस्तों जो हमने लाल मिर्च को सोख किया था उसके साथ 1 लहसुन मिला के मिक्सी में डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। 4 से 5 मिनट हमने मिर्च के पेस्ट को अच्छे से मिला लिया है मटन के साथ। अब इसे हम ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। हमने यहाँ 150 ग्राम दही लिया है तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर, 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें मैं 3 tablespoon मस्टर्ड ऑयल डाल लेता हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हम खोल लेते हैं और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब करते हैं गैस को ऑफ और दही में मिक्स किया हुआ मसाला इसमें हम डाल लेते हैं और 3 से 4 मिनट इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप दही डालते समय गैस को ऑफ कर लें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें ताकि दही फटे ना। अब हम इसे ढक लेते हैं लो फ्लेम पे जब तक मटन ना पक जाए। 30 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखते हैं कि मटन पक गया है या नहीं। दोस्तों अभी थोड़ा सा मटन पकना बाकी है। अब मैं यहाँ 1/2 cup वार्म वाटर ऐड कर रहा हूँ और इसे चला के हम फिर से ढक लेते हैं। लगभग 45 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए आपका लाल मांस बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताने कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये देखिए लाल मांस का कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है और इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों ये देखिए मटन कितने अच्छे से पक चुका है और मुझे भूख भी बहुत लग चुकी है तो मैं जा रहा हूँ उसे चावल से खाने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।